तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। एक आसान सवाल है, ठीक है। आप कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, एक्स की वैल्यू यहाँ दी है, एक्स की वैल्यू ए टी स्क्वायर और वाई की वैल्यू यहाँ से बी टी स्क्वायर है। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी मोमेंट, तो किसी भी मोमेंट अगर भी स्पीड निकालना है तो सबसे पहले देखो टू डायमेंशनल मोशन है, तो स्पीड मैं एक्स में निकालता हूँ, तो स्पीड इन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो स्पीड इन एक्स में अगर डी एक्स ओवर डी टी यहाँ तुम करोगे तो ये ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स ए टी स्पीड इन एक्स। और स्पीड इन वाई ओ तुम लिखोगे तो डी वाई ओवर डी टी यहाँ से लिखोगे, तो यहाँ से टू बी टी का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नेट स्पीड जो है वो बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नेट स्पीड मतलब टू ए टी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से टू बी टी का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो फाइनली तुम यहाँ से देखोगे नेट स्पीड की जो सोल्यूशन आ जाएगी, टू बाहर आ गया, टी बाहर आ गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इस हिसाब से अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू।